सत्संग क्या है? सत्संग भगवान का निज अंग है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को भगवान राम का दर्शन हुआ, दर्शन ही नहीं हुआ, भगवान से बात भी की। कहां पर? चित्रकूट के घाट पर। और भगवान श्री राम चित्रकूट के घाट पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को दर्शन। भगवान श्री राम ने गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा कि बाबा यहाँ क्या करते हैं? देखते हैं घास फूस की झोपड़ी बना करके इसी में रहते हैं, यहाँ क्या करते हैं? तुलसीदास जी महाराज ने कहा यहाँ बैठ करके हम भजन करते हैं। भगवान राम परीक्षा लेने के लिए कुछ रुष्ट होकर बोले, बाबा आपको और कोई काम नहीं मिला, भजने मिला। भजन करने से आप क्या कर दीजिएगा? भजन करने से जमीन बना लीजिएगा, मकान बना लीजिएगा, पद की प्राप्ति कर लीजिएगा, बाल बच्चा को पढ़ा लिखा दीजिएगा, आपका परिवार खुश हो जाएगा, आप सब काम छोड़ करके यहाँ भजन करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भजन करने से और कुछ तो नहीं होगा, हम भी जानते हैं, लेकिन आप ही बताइए कि भजन दर्शन होगा कि नहीं होगा। तब तो भगवान श्री राम फील कर गए। भगवान श्री राम ने कहा हाँ बाबा भजन करने से और कुछ तो नहीं है होगा, लेकिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि जब भगवान का दर्शन हो जाएगा तो भगवान के दर्शन के बाद कुछ और बाकी भी रह गया, और कुछ चाहिए? भगवान राम ने कहा भगवान के दर्शन के बाद तो कुछ बाकी नहीं रहा। कहा तब जिस उद्देश्य से मनुष्य का शरीर मिला है, मनुष्य का धर्म है, उसी उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। देह धरे कर यह फल भाई, अब भजी है राम सब काम बिहाई। सोई गुणज्ञ सोई बड़भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। संसार में गुणवान और भागशाली कौन है? वही है जिसको परमात्मा के चरण में प्रेम है, जिसको गुरु के चरण में प्रेम है, वही भागशाली। बड़े बड़े लोगों को आप गरीब होते हुए देखे होंगे, बड़े बड़े गरीब आदमी को एक दिन अमीर होते हुए भी देखे होंगे। लेकिन सत्संग रूपी धन जो है मनुष्य को अर्जन करना चाहिए। भगवान श्री राम ने कहा कि बाबा हमसे कुछ मांग लीजिए, आपको घर द्वार नहीं है, कुछ नहीं है, खाने के लिए घर में दो चार मन अनाज भी नहीं देखते हैं। गोस्वामी जी ने कहा कि यदि आप
हमें कुछ देना चाहते हैं तो हम जो मांगेंगे वही दीजिए। भगवान ने कहा मांग लीजिए। तो गोस्वामी जी क्या मांगते हैं? देही सत्संग निज अंग सीढ़ी रंग भाव भंग कारण शरण सुख हार। गोस्वामी जी मांगते हैं कि हमें सत्संग दीजिए। हमें सत्संग के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि सत्संग के सिवा दुनिया में जो आदमी को बहुत कुछ होने के बाद भी उसको सुख नहीं मिला है, उसको दुख मिला है। जिसके पास बहुत से अर्थ है उसी के पीछे में बहुत से अनर्थ भी लग गए। हमें सत्संग दुनिया का कुछ कोई चीज नहीं चाहिए, सत्संग। एक आदमी मन में विचार कर लगे भगवान जब सब चीज दय छे तो हमरा घोड़वा के नहीं देते, घोड़ा पर चढ़। गांव के बाहर में एक पीपल गाछ लग बैठी गले। अब भगवान से प्रार्थना करे कि हे भगवान घोड़ा पर चढ़ावो, 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 हे भगवान। अब खाना छोड़ी दिल के, पानी पीना छोड़ी दिल के, घोड़ा पर चढ़ावो, हे भगवान घोड़ा पर चढ़ावो, हे भगवान। आ कहते कहते पर गले छुट्टी, घोड़ा पर चढ़ावो हे भगवान। आ पर गले भूली के सीधे कहे घोड़ा चढ़ावो हे भगवान, घोड़ा चढ़ावो हे भगवान, घोड़ा चढ़ावो हे भगवान। एक दरोगा जी घोड़िया पर बैठी के जाए रहे, आ घोड़ियान रास्ता में एक बछेड़ा जन्म दे दिलकी। आ दरोगा जी सफरे नहीं, दरोगा जी गेले पुल्ली लेके, ऊ जे बोले निकल गए क्या बकबक करता है, वहां कहे घोड़ा चढ़ावो हे भगवान। जब नए सुन लगे तो तीन चार पुल्ली पीठी पर दिल के उठी पुठी, सर की गलती हुई, लट क्या बकबक करता है, चलो वहां बछड़ा को कन्हा पर लो, चलो थाना तक पहुंचाओ। वो बच्चा का कन्हा पर ले मारो डर चली दल के, तब कहे उल्टे सुन ले हे भगवान, उल्टे सुन ले हे भगवान, घोड़ा पर हम की चढ़े, हम रेप चढ़े। यही है संसार। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवान से क्या मांगते हैं कि देही सत्संग निज अंग सीरी रंग भाव भंग कारण सरल सुकहार। ऐसे सुंदर शरीर में रहने के बाद मनुष्य को तीन काम करना चाहिए, बढ़िया भोजन, बढ़िया भजन, मुंह से निकालिए बढ़िया वचन।